नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटसी दुनिया में। गाइस, इस वीडियो में ना हम लोग शॉर्ट और क्विक रिव्यू करेंगे बोकारो वर्सेस सिंहभूम के बीच जो होने वाला है आज का दिन का सेकेंड झारखंड T20 का मैच। गाइस, अब तक दोनों टीम ने ना सात सात मैच खेला है। बोकारो ने 5 जीता, सिंहभूम ने 4 मैच जीता, तो दोनों टीम ऑलमोस्ट सेम ही खेला है। बट स्टिल इस टूर्नामेंट का लीडिंग पॉइंट टेबल में ना सबसे ऊपर में है बोकारो। हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे कम टाइम लेते हुए, तो काइंडली वीडियो अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप लोग चैनल में न्यू हो ना, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जो फाइनल अपडेट होता है ना इस मैच का वो टेलीग्राम पे मिलेगा। इसके बाद ECS के वीडियोस मिलेंगे और इंटरनेशनल मैचेस का ना फाइनल अपडेट और बाय सेल पिक्स मिल रहा है आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन हो सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में जो लिंक मिलेगा ब्लू कलर का, उससे भी टेलीग्राम आप बहुत इजीली ज्वाइन हो सकते हो। और अगर लिंक काम नहीं किया तो सर्च कर सकते हो @ लगा के TeamsFDF, बट मैं हमेशा की तरह प्रेफर करूँगा जो लिंक है ज़्यादा लॉयल है, ज़्यादा ऑनेस्ट है, तो उसी से आप ज्वाइन हो जाना फॉर फ्यूचर अपडेट, फॉर फाइनल अपडेट्स। आता हूँ मैं इस मैच के एनालिसिस में। 1 बजे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम, क्लाउडी वेदर हमेशा रहता है। मैं मैच स्टार्ट होने से जस्ट पहले आपको ना स्क्रीनशॉट करके दे दूंगा वेदर रिपोर्ट, जहाँ से आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। 8 बजे मैच, 8 बैट फर्स्ट विन किया अब तक, 11 बैट सेकेंड ने, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कुछ वन साइडेड मिलेगा नहीं, आपको ना एक अच्छा टीम बनाना है। बट हाँ, बॉलिंग फर्स्ट टीम से ना डेथ बॉलर को ड्रॉप करने का रिस्क जल्दी से भी मत करो। बोकारो से ध्यान दो, टीम अच्छा क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके ना बैट्समैन अच्छे खेल रहे हैं, बट इनका 3 बैट्समैन बहुत हद तक डिपेंडेंट है टीम, विशाल, सत्य, सेतु, वानु। उसके बाद मतलब मैं क्या बोलना चाहूँगा, अगर इस टीम का बॉलिंग फर्स्ट हो रहा है तो ठीक है, टीम चेस कर लेगा रन, बट अगर बैटिंग फर्स्ट हो रहा है तो एक फिनिशर चाहिए होता है, पता है ना, फैंटेसी के हिसाब से अगर फिनिशर अच्छा होता है तो आपको डेथ ओवर्स में पॉइंट नहीं मिलते, अदरवाइज डेथ ओवर्स में पॉइंट मिलेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा क्योंकि इनके फिनिशर कोई है नहीं, मतलब ओपोनेंट से जो डेथ बॉलिंग कराएगा ना उसको आप अपनी टीम में रखो। इस टीम से देखोगे तो बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, सौरव आपको लेना पड़ेगा, विकास आपको लेना पड़ेगा, बट आप कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलिंग फर्स्ट में यूज़ करो, तब ज़्यादा विकेट ले सकते हैं डेथ ओवर्स में, ठीक है। बट इनके कुछ और बॉलर है, पंकज अर्पित बहुत अच्छे बॉलर है, लास्ट मैच में क्या हुआ था, विकास विशाल सिंह ने ना 4 ओवर कंप्लीट कराया था, ये आपको हमेशा बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है। इससे पहले भी एक मैच में इन्होंने 2 ओवर डाला था, अच्छा बॉलिंग डाला, बट अगले ही मैच में इनको बॉलिंग नहीं मिला था, तो इसका मतलब क्या है, आप एकदम ब्लाइंडली ड्रॉप मत कर देना पंकज और अर्पित, दोनों अच्छे खेल रहे हैं, खास करके पंकज का लास्ट के कुछ मैच में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहा है, बट अर्पित भी आपको 2 से 4 ओवर करते हुए दिखेगा, पंथ पिक हो सकता है, स्पेशली आर्यमन लाला अगर नहीं खेलता है तो गाइस दोनों आपको 2-2 ओवर 4-4 ओवर भी कराते हुए दिखेगा, तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपके लिए। इस टीम से ओपनिंग बॉलर शेखर विकास ए लाला, डेथ में देखो विकास शेखर अर्पित, तो ये डेथ बॉलर जो होता है ना, विकास और सौरभ शेखर, जो 16, 17, 18, 19 नंबर वाला ओवर डालेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पास रिकॉर्ड आप चाहो तो यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो। मैं सिंहभूम से आता हूँ, फिलहाल गाइस अगर देखोगे आर्यमान सेन इनसे ओपन कर रहे हैं, जयप्रकाश, हिमांशु, गाइस इनसे ना बड़ा स्कोर करने वाले बैट्समैन आपको कम ही मिलेगा, देख लो 159 है आर्यमान का, 76 ये अच्छे बैट्समैन है, इनको छोड़ दो तो किसी का भी बहुत बड़ा स्कोर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर सिंहभूम बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट कर दे तो गाइस आप वन साइडेड इनके ओपोनेंट के फेवर में बना सकते हो, क्योंकि इनके जो बैटिंग है ना मुझे स्लाइटली वीक लग रहा है कंपटीशन के ओपोनेंट, बट इनसे मोहित कुमार को आपको लेना पड़ेगा, अच्छे प्लेयर है, आर्यमन सेन को लेना ही पड़ेगा सभी कंडीशन में, ठीक है। नीचे से स्पेशली बॉल फर्स्ट बालकृष्णा मेरी टीम का कैप्टन, क्योंकि ये डेथ ओवर कराएगा और बैटिंग से हिटिंग अच्छा करा लेता है बालकृष्णा, स्पेशली बॉल फर्स्ट मेरी टीम का कैप्टन। मोनू कुमार एक अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन है, स्पेशली बालकृष्णा और मोनू कुमार डेथ कराएगा तो ये दोनों आपके लिए ना मस्ट हैव होना चाहिए, स्पेशली इफ दे बॉल फर्स्ट, इफ दे बॉलिंग सेकेंड, बालकृष्णा को कैप्टन मत बना देना और मोनू कुमार को आप ड्रॉप रोटेट कर सकते हो स्पेशली वाइल दे बॉलिंग सेकेंड, ठीक है। सोनू कुमार मेरे हिसाब से बॉलिंग सेकेंड करेगा तो मोनू कुमार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बट बॉलिंग फर्स्ट मेरा पहला चॉइस मोनू रहेंगे, ठीक है। आशीष कुमार ये रहेगा फिलहाल, गाइस मोनू सोनू दोनों को रख लो, क्योंकि दोनों ना डिसेंट बॉलिंग करा रहा है और दोनों स्टेट लेवल भी एक्सपीरियंस है। आशीष कुमार को कब लेना है, बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि देखो कंसिस्टेंटली 4 ओवर डाल रहे हैं। ओपनिंग बॉलर मोनू बालकृष्णा सोनू, डेथ में कौन बालकृष्णा मोनू सोनू करते हुए आपको दिखेगा, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, मैं तीनों को अपनी टीम में रखूंगा। गाइस ये पास का रिकॉर्ड है, चाहो तो यहाँ पे हल्का सा आप आपके अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हो। गाइस
ये रहेगा फिलहाल मेरा टीम, जहाँ पे बालकृष्ण कैप्टन है और वी सिंह है वी सी। डेफिनेटली यहाँ पे ना अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है बालकृष्ण, ठीक है कैप वी सी, बट बॉलिंग सेकेंड होता है ना उस कंडीशन में आप ना ये जो है ना सोनू भाई और मोनू भाई दोनों को ट्राई कर सकते हो। इनका बॉलिंग फर्स्ट होता है तो मैं वी सिंह को कैप्टन बना दूंगा और इसको मैं वी सी ही रखूंगा, वी सिंह को, ठीक है, इनको वी सी रखूंगा, इनको कैप्टन मैं बना सकता हूँ या फिर इनको कैप्टन बना के इनको वी सी, बट बालकृष्ण सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग फर्स्ट मेरी टीम का कैप्टन रहेगा। ये रहेगा फिलहाल मेरा इस मैच का अपडेट, इस मैच का और फ्यूचर मैच इसका अपडेट डेमो टीम मिलेगा टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन हो जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू, मिलते हैं मैच टाइम पे।